नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों को पता होगा कि JSSC CGL का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, 14 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अभी प्रस्तावित है कि 14 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होंगे, तो हमारे पास एग्ज़ाम के लिए मात्र 90 डेज का समय बचा हुआ है। तो अब वो समय आ गया है कि हम पूरे तन्मयता से पढ़ाई करें, मिशन मोड में पढ़ाई करें। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि एक 90 डेज़ का प्लान बनाना होगा कि हम 90 डेज़ में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और कितने दिन रिवीजन के लिए हम लोग रखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम 60 डेज़ में सिलेबस को कम्प्लीट कर लें और 30 डेज़ आप रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखें। ठीक है, 60 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट कर लें आप लोग। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, है ना, स्ट्रेटजी बनाइए कि हम किस सब्जेक्ट में पीछे छूट रहे हैं, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे। जिस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको रिवाइज करते रहेंगे और रेगुलर इंटरवल में मॉक टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ठीक है, ये छोटा सा मोटिवेशन। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हर अल्टरनेट डे में मैथ के 20 क्वेश्चन जो है लेकर आऊँगा, तो आज मेरा मैथ्स का दूसरा क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम 20 प्रश्नों को करेंगे, मैथ के 20 प्रश्नों को करेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। आप देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, है ना, और इस वीडियो के अंत में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन को का लेवल को इंक्रीज़ करना चाहिए कि और भी बेसिक चीज़ों को बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं पेपर 3 का, तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे हर संडे को 3 to 5 PM में टेस्ट दे सकते हैं, जो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा प्रकाशित मैगजीन फ्री में पाना चाहते हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपी स्टडी फॉर गोल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी आपको रांची और हजारीबाग में बुक स्टॉल पर से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है, एक वृत्तचाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सब्टेंड करता है, तो इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन का पहले फॉर्मूला समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन का डायग्राम। अगर मान ली जाए किसी भी वृत्त में, अगर ये वृत्त चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल बनाया जाता है, तो ये जो एरिया है ना, एरिया का क्षेत्रफल है ना, ये जो है शेडेड रीजन जो है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। और हमारे केस में थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए एंगल कितना है 126 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया कितना होगा, 22/7, ये 80 × 80 और ये कितना 126/360। 10 से 10 उड़ा दिए, 18 × 36, 18 × 7 = 26 से और 2 × 4 है ना, चला गया। ठीक है, और ये 7 से 7 को उड़ा दिए, तो हो गया 22 × 8 = 32, 320 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपया खर्चा होता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी, 22 × 320 × 5 है ना। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 110 और 320, 110 से 320 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,200। तो इतने रुपए की लागत आएगी, ये हमारा
आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर है, तो चक्र की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले से प्यारा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम आपके स्क्रीन पर, ठीक है, जिसमें दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र O है और बाह्य त्रिज्या जो है वो R1 है और आंतरिक त्रिज्या जो है वो R2 है। तो हम लोग को चक्र की चौड़ाई निकालने बोला गया है, तो चक्र की चौड़ाई क्या होगी, ये होगा, ये हो गया R1 माइनस R2। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि बाह्य परिधियों और आंतरिक परिधियाँ कितना दिया गया है, बाह्य परिधियाँ क्या कितनी हो जाएगी 2πr1 और आंतरिक त्रिज्या कितना ही हो जाए, परिधि कितनी हो जाएगी 2πr2 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 352 माइनस 264। ठीक है, 2π कॉमन ले लेते हैं, r1 माइनस r2 और यहाँ से 88। ठीक है, तो 22/7 यहाँ पाई का वैल्यू रख देते हैं, r1 r2 और ये 88, 22 दूनी 44, 44 यहाँ इक्वल टू का साइन है, 44 दूनी 88। ठीक है, तो r1 माइनस r2 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, है ना, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं जो कि डिस्काउंट से है। ठीक है, एक दुकानदार प्रत्येक कुर्सियों को उनके अंकित मूल्य के 25% की छूट देने के बाद 1380 रुपये में बेचता है, यदि वह उन्हें बिना किसी छूट के बेचता है तो 15% का लाभ अर्जित करता है, तो प्रत्येक कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे आसान तरीका, हम लोग को पूछा गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, और अगर वो बिना किसी डिस्काउंट दिए बेचता तो उसको कितना लाभ अर्जित होता, 15%, मतलब कि वो 115 रुपये में, वो उसका MP कितना होता, 115, है ना, 115 में उसको बेचता, 115 उसका MP है, 115 में बेचता तो उसको कितना होता, 15% का लाभ होता, लेकिन वो बेच कितना में रहा है, मतलब छूट कितना दे रहा है, 25% का, तो 25% का छूट दे रहा है तो बेच कितना रहा है, 75% में, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4, है ना, और इसी का वैल्यू जो है, इसी का जो वैल्यू है वो कितना दे के रखा है, वो दे के रखा है 1380, है ना। अगर हम इसको काटें तो 23×25×6, है ना, 5×3=15, 15×6=60, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, 1600, यानी कि हमारा CP कितना हो जाएगा, 1600। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात जो है 11:13 होगा, है ना, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों, जब भी अनुपात दिया गया हो और अनुपात पूछे ना, तो हम लोग को एक्स वाई जेड वगैरह कुछ नहीं मानना होता है। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को प्रेजेंट रेशियो निकालना है ना, प्रेजेंट रेशियो निकालना है। चार वर्ष पहले कितना था रेशियो, यह था 4:5, और अब 8 वर्ष बाद जो है वो रेशियो कितना हो जाएगा, 11:13। ठीक है, तो ये गैप कितना है, ये गैप है 12 साल, तो 12 साल का जो गैप है वो अनुपात तो भी तो सेम होना चाहिए, ये 11 और 4 या 7 का गैप है, 13 और 5 या 8 का गैप है, ये तो गलत बात है, ये इतना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11:13। अब देखें तो 8, 11, 3 का डिफरेंस, और 10 से 13 हो गया, फिर 3 का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब कि कितना साल हो गया, 12 साल, 12 साल का गैप के बाद जो अनुपात का गैप है वो कितना है, 3 है। ठीक है, मतलब कि 3 अनुपात में 12 साल का गैप है, 12 साल का गैप है, तो 1 अनुपात में कितना का गैप हो जाएगा, 4 साल का। ठीक है ना, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि 4 साल जो है ना वो 4 साल में 1 अनुपात बढ़ जा रहा है। तो हम लोग का प्रेजेंट जब निकालना है,
चार साल पहले कितना था, 8:10, है ना, तो 1:1 इसमें बढ़ा देंगे तो प्रेजेंट का निकल जाएगा, तो 9:11 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सोचिए और इस तरह से क्वेश्चन को हल कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट कर निकाला जाता है और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 150 डिग्री का कोण जो है वो कितना एरिया बना रहा है, 50/2, है ना, तो 1 डिग्री कितना बनाएगा, 25/2 × 150, और वृत्त का केंद्र पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कितना बनाएगा, 25 360। ठीक है, 360, तो आप अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 0 से 0 चला गया और 2 से ये 18 बार में चला गया। अब देखते हैं 5 से ये 3 बार में और 5 से ये 5 बार में, 3 से ये 6 बार में, तो ये कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब भी x का मान 7 − 4√3 इस तरह से दिया हुआ है तो 1/x क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 7 + 4/4√3, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, x² + 1/x². ठीक है, इसका मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाता है, x + 1/x² − 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 7 − 4√3 + 7 + 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये 4√3 से 4√3 चला गया, 7 × 7 = 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 196 − 2 = 194, तो 194 हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3^25 + 3^26 + 3^27 + 3^28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, संख्या है 11, 16, 25 और 30। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देना तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है ना उसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर 3^25 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ क्या बचेगा, 3 का क्यूब यानी कि 27, है ना, 3^25 हो गया और ये 40 हो गया। 40 दिए गए नंबर में से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3^24 लिखेंगे और एक 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3^24 और ये हो गया 120। ठीक है, अब 120 जो है, अगर ये पूरी संख्या 120 का मल्टीपल में है, है ना, और 120 जो है 30 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है वो किससे डिवाइड होगी, 30 से डिवाइड होगी, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, इस बार हम नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए हैं, तो इसी तरह से अगर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, किसी और टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला क्या है कि यदि 8 अंकों की संख्या 30X558Y2, है ना, ये संख्या है, ये संख्या 88 से विभाजित है, तो 6X + 6Y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखने का बात ये है दोस्तों कि अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है ना, तो उनके फैक्टर से भी विभाज्य होंगे। कहने का मतलब यह है कि 11 और 8 से भी विभाज्य होंगे। ठीक है, तो संख्या हम लोग को क्या दे के रखा है, 30X558Y2 ये संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस संख्या में अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है
तो इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो 8y2 जो है अगर 8 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हम लोग बारी बारी से रख के देखेंगे। पहले एक रख के देखते हैं तो 812 जो कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें, है ना, विभाजित नहीं हो रहा है। अगर दो रखते हैं तो 822 होता है, वो भी विभाजित नहीं हो रहा है। तीन रखते हैं तो 832 हो रहा है जो कि 8 से विभाज्य हो जा रहा है ना। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 3 होगा। अब हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, अब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये y का वैल्यू रख दिए। अब ये संख्या जो है 11 से भी विभाज्य है, 11 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, है ना। ये अल्टरनेट नंबर को जोड़ें और उसमें से इसको घटा देंगे, ये अल्टरनेट नंबर को, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 3 + 5 = 8 और 3 संख्या कितना है, ठीक है। तो ये 11 + x आ रहा है और इधर कितना आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है 15, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 11, ठीक है, 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4, है ना। तो हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, 6x + 6y, है ना, 6x + 6y निकालना है। तो 6x यानी 6 × 4 + 6y 6 × 3, तो ये 24 + 18 जो कि हो जाएगा 42। ये 42 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। अगला क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस से सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 243 to the power n/5, है ना, और ये है गुना में 3 to the power 2n + 1, और ये डिवाइड है 9 to the power n × आप गुना का चिन्ह है 3n-1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 5, है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है, और 3 to the power 2n + 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 2n × 3, क्यों, क्योंकि ये गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, वापस ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और 3 to the power 2 लिख सकते हैं इसको, 3 to the power 2n लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 3 to the power n/3, है ना। अब देखो जब डिवीजन में होता है तो पावर घट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये 5 से 5 चला गया, यहाँ क्या बच गया, 3 to the power n, 3 to the power n से 3 to the power n चला गया, और 3 to the power 2n से 2n चला गया, और ये जो 3 है, ये जो 3 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब तक दिया हो ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है क्वेश्चन में, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और 12 जो है दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो, तो अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ये बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, और अगर यहाँ माइनस का साइन है ना, तो ये छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या होगा, 4। तो दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों आपका अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, है ना, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो किसी ने कहा है कि रेस चाहे ज़िंदगी की हो या गाड़ी की, जीतता वही है जो समय पर गियर चेंज करता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से 20-20 में हम आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.4777 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.47 पे बात है ना। अब इसको हम लोग हटाने जानते हैं, है ना, इसको हम लोग कितना कितना लिख सकते हैं, पूरा नंबर लिखते हैं और जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, और बार के बदले में नीचे 9 आता है और ये 0 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 43/90, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, a³ + b³। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है a+b² - ab + b², है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो ये a है और ये b है, यहाँ पे ये a है ये b है, ठीक है। हम उसको तोड़ते हैं, देखते हैं, तो ऊपर वाले को अगर तोड़ेंगे तो 0.7
प्लस 0.3 है ना, ये आ गया, ए प्लस बी का मान हो गया है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो 0.3 का स्क्वायर, सॉरी 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.3 का स्क्वायर है ना, और नीचे भी क्या दे के रखा है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। बस ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पे 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम आप लोग कैसे निकालते हैं, देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, ठीक है, एलसीएम 14। अब 14 क्या 12 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, है ना, ये 6 × 12 होता है, ये 7 × 14 होता है, इसके पास 6 नहीं है ना, तो 6 से इसको हम लोग गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या 9 से विभाजित है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही 3 है, 3 × 6, और इसके पास 2 3 है। अभी देखो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी, 4 से 2 इसमें एक है, 2 इसमें 4 है, ठीक है, तो ये इसका एलसीएम गुना करने पे कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जो ये सबसे विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को ये नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पे, है ना, तो किसको दुगुना करेंगे तो ये 652 आएगा, इसको दुगुना करेंगे तो 652 आएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका महत्तम समावर्तक 13 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लघुत्तम समावर्तक अगर इन अनुपात दिया हुआ हो तो HCF पहला अनुपात इंटू दूसरा अनुपात, तो 13×7×11 यह आ जाएगा, 13×7=11 स्पेशल नंबर होता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1001 आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समूह में 5 लोगों की औसत ऊंचाई जो है 175 सेंटीमीटर है, एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो जाता है, तो अब समूह का जो सभी लड़कों की औसत ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम बटे नंबर, है ना, तो हाँ यहाँ से अगर हम लोग को सम निकालना होगा, अगर सम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज को नंबर से गुना कर देते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 लोगों की औसत ऊंचाई 175 है, तो 5 लोगों का जो एज का योग होगा, सॉरी ऊंचाई का योग होगा, वो कितना होगा, 175×5 या फिर 5×175 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 875। इसी तरह से 6, जब एक लड़का नया आ गया तो एवरेज भी हमारा 1 बढ़ गया और लड़का भी 1 बढ़ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 1056। अब ये सब दोनों को घटाएंगे तो हम लोग नई लड़की का ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आएगा कितना घटाने के बाद, 181, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास जो है 40% कम कर दिया गया, उनका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यास को 40% बढ़ाया गया है, व्यास को अगर 40% बढ़ाया गया है तो त्रिज्या भी सेम अनुपात से बढ़ेगा, 40% ही बढ़ेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो 40% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसको कितना लिख सकते हैं, 2/5, है ना, यानी कि अब आप लोग जानते होंगे फ्रैक्शन का अगर प्रतिशत अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये रूल आपको पता होगा कि ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये परसेंटेज वैल्यू होता है। मान लीजिए कि पहले रेडियस 5 था और उसका 40% घटा दिए, तो 2 घट गया, तो 5 में 2 घटा दिए तो अब रेडियस 3 हो गया, है ना, तो इनिशियल रेडियस जो है वो कितना था, 5, और फाइनल रेडियस कितना हो गया, वो हो गया 5-2, 3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं गोला का आयतन जो क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, तो r³ लिख सकते हैं इसको, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 4/3 π, और 5³ जो कि होता है 125, ठीक है। इस तरह से वी फाइनल कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ क्यूब, है ना, क्यूब होगा,
तो 4/3 पाई और 3 का क्यूब जो कि होता है 27, है ना। अब ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 98 का, है ना, -98 जो है उसका वॉल्यूम घट गया, ठीक है। तो 98 घट गया कितना में से, 125 में, पहले 125 था, है ना, तो परसेंटेज डिक्रीज हम लोग निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -98/125 × 100, है ना। 4 से 25 चौका 100, है ना, ये 5, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माल का एक तिहाई भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए माल का मूल्य है वो एक्स है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पहले बोल रहा है वो कि उसका एक तिहाई भाग मतलब एक्स बाई थ्री जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है, 15% लाभ में, इतना में। तो प्लस अब नेक्स्ट भाग जो है एक्स बाई फोर वो कितना में बेच रहा है, 20% लाभ में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, फ्रैक्शन वैल्यू ही हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट, 1/5। अब शेष भाग को बेचता है, शेष भाग कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 + 1/4 जो कि आ जाएगा 5/12, है ना, 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12 को कितना में बेच रहा है वो, हानि में बेच रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x/12 × 1/5, ठीक है। और ये कितना लाभ कमा रहा है, 138.5 रुपया, ठीक है, 138.5 रुपया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 3 = 15, 5 से ये 20 बार में चला गया, ये इतना ही रहेगा, ये 5 से 5 चला गया। तो अब हमारे पास 3 से ये 3 चला गया, तो x/20 + x/20 - x/12 = 138.5, है ना। यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। अब ये 3x + 3x - 5x = 138.5। कैलकुलेशन आप लोग फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 6x - 5x, x/60 = 138.5, x को अगर इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0138, है ना। तो 8,310 रुपया ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन में, 16 दिन में और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करते हैं, हाँ, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी जो है वो कितना दिन लेगा, ये पूछा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, पूरा काम कितना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को 24, 16 और 32 का एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 96, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया मेरा, 96 यूनिट। अब इफिशियंसी हम लोग ज्ञात करते हैं, सबका इफिशियंसी कार्य क्षमता, मतलब ए जो है वो कितना कार्य कर सकता है, ये 96 को भाग देंगे 24 से, तो ये 4 यूनिट पर डे, है ना। बी कितना काम कर सकता है, एक इफिशियंसी कितना होगा, 16 × 6 यूनिट पर डे। और सी कितना काम कर सकता है, 32 × 96 3 यूनिट पर डे, ठीक है। ये हो गया इफिशियंसी। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि ए और बी जो है कार्य शुरू करता है और ए और सी जो है कार्य शुरू करता है और 6 दिनों तक कार्य करता है। तो ए और सी जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 4 + 3 = 7, है ना। और ये 6 दिन तक काम करता है तो कितना काम हो गया, 42 यूनिट काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है, बचा कितना काम, 54 यूनिट काम। टोटल 96 यूनिट काम था, 42 खत्म हो गया, अब 54 बचा। तो 54 को अकेले कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है ना। तो बी का इफिशियंसी कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो 6 यूनिट काम कर सकता है, इसलिए वो कितना समय में कर लेगा, 9 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये इसका आंसर हो गया, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, sin 60 + cos 45° = x है, तो x का मान क्या होगा, है ना। तो हम लोग sin 60 का वैल्यू जानते हैं, वो कितना होता है, √3/2, और cos 45 कितना होता है, 1/√2। सिंपली क्या करो, इसको इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2√2 होगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा
रूट थ्री इंटू रूट टू और यहाँ यहाँ टू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे जो है रूट है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कर देते हैं टू रूट टू और नीचे टू रूट टू इंटू टू रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इससे गुना करेंगे तो ये, इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दो और दो चार, यहाँ पे चार रूट तीन हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी चार रूट दो हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा दो दो चार, चार दुनी आठ है ना, तो चार गुना दो लिखते हैं यहाँ पे, और ऊपर से चार चार कॉमन करके इसको काट देते हैं, चार चार कॉमन लिए इस चार को उड़ा दिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू बाई टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा वृत्त पर केंद्र, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, तो जीवा के केंद्र बिंदु से दूरी ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें एक जीवा है, ठीक है, ये जीवा है और ये इसका मान लीजिए कि सेंटर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग को यहाँ की लंबाई ज्ञात करनी है ना, ये क्या होगा इसका, ये रेडियस होगा और ये भी इसका रेडियस होगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा, और ये एंगल दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री, अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे, अब बराबर होंगे तो कितना कितना होगा, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो है किसी कॉर्ड को अगर इंटरसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट पे करता है, तो अगर ये टोटल 10 है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, हम लोग को इसका हाइट निकालना है। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री का है, ये ट्रायंगल मान लीजिए आप, है ना, तो ये 30 डिग्री अगर है तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और ये होता है क्या है, P/B, है ना, तो P का वैल्यू कितना है 1 और B का वैल्यू 1, तो H का वैल्यू कितना होगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 1+3 यानी कि √4 यानी 2। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक 30 डिग्री एंगल वाला कोई त्रिभुज है तो इसको सामने को बुझा, ये कितना, P कितना होगा, 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा, ये हो गया भुजाओं का अनुपात। ठीक है, अगर हम लोग इसको 1x मानते हैं, इसको √3x मानते हैं, तो इसको हम लोग कितना मानेंगे, 2x, तो यहाँ पे सेम कंडीशन हम लोग लगाते हैं, इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर O है। अगर हम लोग को निकालना है, नाम का दे देते हैं इसको AB और CA, है ना, अगर हम लोग को x निकालना है तो ट्रेंगल OAC में हम लोग लिख सकते हैं 2x² इक्वल टू x² प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू x² प्लस 25, यानी कि 3x² इक्वल टू 25, यहाँ से x² इक्वल टू 25/3, यहाँ से x क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5/√3, है ना, x हमारा OC है, और OC हम लोग को निकालने बोला है जीवा के केंद्र के बीच की दूरी कितने है ना, जीवा के केंद्र से दूरी, है ना, तो ये कितना है, x हम लोग माने थे, x कितना आया, 5√3, कहाँ है ऑप्शन में 5√3, तो ये है 5√3। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में कोई भी दिक्कत अगर हुई होगी तो आप हमको पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। दोस्तों जॉब में रहने के कारण मेरा शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा बिजी होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट जो है उसको 24 घंटे के अंदर क्लियर कर दूँ। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमको भेजें, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है दोस्तों, आप एकदम फ्रेंडली रहें मेरे साथ, है ना, जो भी डाउट है बेसिक चीज़ों में अगर आपको डाउट है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा, जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये भी बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या हमको और भी बेसिक चीज़ों को बताना चाहिए, हम जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे
क्या उसमें कुछ कमियां या त्रुटियां हैं, तो इसके बारे में भी आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ और 20 क्वेश्चन का सेट फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।